हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज़। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग किसी से बात करना चाहते हो तो हमको क्या आना चाहिए? देखिए, जनरली हिंदी आना चाहिए। अगर आप हिंदी वालों से बात कर रहे हो तो, अगर वो बंदे हिंदी नहीं जानता है, सिर्फ इंग्लिश जानता है, तो देखिए आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो देखिए, उससे आपको कैसे भी बात करना है या उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर देखिए, मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ उसके ज़रिए। अगर आपको सिर्फ हिंदी ही आती है तो भी उससे आप चैट कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप में एक काम कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उसे पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है? तो आप देखिए, उस वर्ड को आप हिंदी में ही टाइप करिए, आप कहाँ रहते हो। इस तरह हिंदी में ही टाइप करने से वो ऑटोमेटिक उसके पास कैसे जाएगा, वेर आर यू फ्रॉम, इस तरह चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आप बहुत सारे बात कर सकते हो। कौन से लैंग्वेज चाहते हो तो उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। उसके लिए देखिए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पहले जीबोर्ड नाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ देखिए, आपको जीबोर्ड मिल जाता है। तो मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ पहले ही। बाद में देखिए, इस तरह गूगल ट्रांसलेट को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जो पहला वाला लिंक है ना, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? तो इन दोनों को मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब व्हाट्सएप पर जाता हूँ। तो देखिए, व्हाट्सएप पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ ये जो जी का सिंबल नया दिख रहा है ना, इसको टैप करिए आप, ठीक है? तो इसको टैप करते ही आपको यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ जो ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको टैप करिए। उसको टैप करने के बाद देखिए, आपको यहाँ हिंदी आती है। आप जो कुछ भी हिंदी में टाइप करते हो ना, उसको इंग्लिश में जाना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, आप यहाँ इंग्लिश है ना, उसको टैप करिए। टैप करके आप यहाँ क्या लगाओगे, हिंदी लगा लीजिए, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैं यहाँ इसको नीचे स्क्रॉल करते जाता हूँ और यहाँ हिंदी लगाता हूँ, और देखिए यहाँ इधर साइड आप इंग्लिश लगा लीजिए। जो भी मैं हिंदी में टाइप करता हूँ उसको इंग्लिश में जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ देखिए, आप कैसे हो, ठीक है? तो मैं यहाँ कैसे हो इस तरह टाइप करके सेंड करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ उसको इंग्लिश में टाइप करता किया, हिंदी में टाइप किया था, पर उसको क्या गया है, देखिए हाउ आर यू इंग्लिश में चला गया है, ठीक है? तो दूसरा टाइप करते हैं। देखिए, इस तरह जी को टैप करता हूँ और दोबारा से देखिए ये जो वर्ड है ना, इसको ट्रांसलेट है ना, उसको टैप करता हूँ। टैप करने के बाद देखिए, यहाँ मुझको क्या लगाना चाहिए, हिंदी। हिंदी को हिंदी में टाइप करने से उसको कैसे जाना चाहिए, इंग्लिश में। इधर साइड इंग्लिश लगाता हूँ। लगाने के बाद देखिए, यहाँ एक कुछ वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है? तो आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ठीक है? तो देखिए, यहाँ मैं आप कहाँ से हो टाइप करते ही क्या आ गया है, वेयर आर यू फ्रॉम आ चुका है, ठीक है? तो मुझको बस हिंदी जानना है, इंग्लिश ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैं किसी के साथ भी चैट कर सकता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, देखिए इसमें और एक भी एक ट्रिक है यहाँ। उसके लिए देखिए, जो इमोजी है ना, इसको प्रेस करके रखिए। प्रेस करके रखने के बाद देखिए, आपके पास इस तरह के इमोजीज आते हैं। पर देखिए, आपको यहाँ एक पेंसिल का सिंबल दिख रहा है ना, इसको टैप करिए। इसको टैप करने के बाद आपको कौन सा इमोजी चाहिए, जैसे देखिए मुझको हार्ट शेप का चाहिए, तो मैं यहाँ इसको हार्ट ड्रा करता हूँ। तो देखिए, मेरे पास यहाँ हार्ट शेप का इमोजी आ चुका है, ठीक है? इसी तरह मैं यहाँ एक एरो ड्रा करता हूँ, तो देखिए इसमें कुछ एरो के जैसे इमोजीज आ चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह मुझको कुछ इमोजी चाहिए तो मुझको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से ही मैं निकाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करिए। फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।